एक ने 10 गोले खा लो। अच्छा, 10 गोले खाने के बाद भी आपके टंग पे कलर नहीं आएगा। कलर्स भी सारे हमारे नेचुरल है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंदौर शहर में। अच्छा। हमारे ये सिरप पूरे प्योर मावे के बनते हैं, आइस भी आरओ का यूज होता है। अच्छा अच्छा, हम लोग कदम पर तो लगता है कि शायद उन्होंने अफीम मिला रखी है। दोस्तों, मैं शक्कर बाजार चौराहे पर हूँ और मैं अपने बड़ी प्यारी सी कार्ड दिखाई दी, जैन भावा गोला के नाम से है भाई। इतने गोले की काफी वैरायटी मैं देख रहा हूँ, ट्राई करते हैं इनका गोला और आपको बताते हैं इसका जायका। आइए। हाँ, क्या बन रहा है ये? खट्टा मीठा शरबत। ये दो मसाले जाते हैं इसके? चाट मसाला, काला नमक। अच्छा अच्छा, ये क्या जाएगा? सोडा? पानी पानी। अच्छा, पानी सोडे का काम है पानी। अच्छा, आप ओनर हैं यहाँ के? उनका साला हूँ। अच्छा, आएंगे। और आप? अच्छा, यही होना सही है। मतलब आप सब मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे? 9 बजे चालू हो जाता है रात को। अच्छा, और रात को 12:30 बजे तक रहते हैं अपन। अच्छा, टाइमिंग आपकी यही रहेगी? सही है, 12:30 बजे के बाद हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर गली के अंदर। अच्छा, अंदर गली में लगाते हैं। अच्छा, मतलब उसको फिर वो कितने बजे तक खिलाते हैं? 2 बजे तक। 2 बजे तक। अच्छा, एड्रेस बताइए एक बार। शक्कर बाजार चौराया, बड़ा गणपति रोड, शक्कर बाजार चौराया। जरा बताइए क्या क्या है वैरायटी आपके पास और कैसे कैसे है, जरा दिखाइए वैरायटी। सर सर, ये तो नॉर्मल सिरप है। अच्छा अच्छा, ये भी पूरा प्योर शुगर के आएंगे, 100% शुगर। अच्छा। 1% सैक्रीन नहीं है। उसके बाद आप एक ने 10 गोले खा लो। अच्छा, 10 गोले खाने के बाद भी आपके टंग पे कलर नहीं आएगा। कलर्स भी सारे हमारे नेचुरल है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल 100% नेचुरल कलर आएंगे। यूनिक और नया कंसेप्ट है वो मावे का है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंदौर शहर में। अच्छा, हमारे ये सिरप पूरे प्योर मावे के बनते हैं। क्या बात है, इसमें ऊपर से मावा वगैरह नहीं डलता है। ये रोज है। अच्छा, ये भी मावे से? ये भी मावे से। अच्छा, कलर नहीं यूज कर रहा? मावे में 6 फ्लेवर है हमारे पास। हाँ, रोज है, चॉकलेट है, वेनिला, बटर स्कॉच। ये रोज हो गया, ये चॉकलेट हो गया, ये वेनिला, ये बटर स्कॉच, ये मैंगो, ये कश। इतना यूनिक नया कंसेप्ट है ये मावे का। मतलब उसका ये कॉस्टिंग अलग पड़ जाती है? इसका कॉस्टिंग अलग हो जाता है, नॉर्मल का अलग हो जाता है। इसमें रबड़ी वाले भी बनते हैं, जैसे आपने नॉर्मल रबड़ी वाले खाए है, और नॉर्मल सिरप के ऊपर से रबड़ी डलती है। तो आप इनके साथ हेल्प कराती हैं? ये ओनर है। आप? मैं काम करने वाला हूँ। अच्छा, आप हमें बताइए कि आप क्या बनाएंगे हमारे लिए? एक बना दीजिए बढ़िया। एक मावा गोला खिला तो आपको, जो हमारी स्पेशलिटी है वो बनाइए। आइस भी आरओ का यूज होता है। अच्छा अच्छा, ये आइस भी आपको पूरे इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरा कॉटन आइस आएगा। साइज छोटा आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अभी कॉटन जैसा है ना इसके। अभी आप अभी से और सर्च करेंगे। कश्मीर के मजे लेने तो हमारे यहाँ पे आना है। चॉकलेट, बटर स्कॉच, वेनिला, मैंगो, फ्रेश। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, बढ़िया बनाइए। रोज ही लीजिए, स्टार्टिंग में रोज बनाई दीजिए। ये पूरा सिरप जो है हमारा, पूरा मावे का सिरप है। क्या बात है। अच्छा, ये कंसेप्ट में थोड़ा सा नया देख रहा हूँ, मतलब ये अलग ही कंसेप्ट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये आएगी गुलकंद। तो कैसे दिमाग में कैसे आया ये फिर ये स्टार्ट करना है? ये सीखा था मैंने। अच्छा, अच्छा। 10 साल पहले सीखा था। 10 साल पहले जी। इम्प्लीमेंट अभी किया? चालू अभी किया इसको। घर वाले बोले इंदौर के लोग वो चटोरे है, तेरे हाथ में टेस्ट है, क्वालिटी है, चालू कर। ये हो गया आपका बोला रेडी। तैयार? बिल्कुल। डेली आते हैं? डेली आते हैं तो डेली खाते हैं? डेली। कैसा टेस्ट? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। हम लोग कदम पर तो लगता है कि शायद उन्होंने अफीम मिला रखी है। क्या बात है। बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के जायके ना बहुत यूनिक जायके आपको इंदौर में ही मिलेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। भैया ने बोला था बहुत अलग है, वाकई में अलग है। रोज का फ्लेवर जो है वो अलग आ रहा है, इसमें मावे का फ्लेवर भी बहुत खुल के आ रहा है, बहुत बढ़िया। और आइस आइस वैसी ही नहीं है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब कि होता है ना, हम अमूमन जो गोले यूज कर, हम गोला खाते हैं ना, कहीं भी खाएंगे तो वो जो आइस होगी ना बहुत हार्ड होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है आइस, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। 70 इसकी कॉस्ट है, बहुत वर्थ है। अगर आपका इस तरफ आना होता है इंदौर, एड्रेस भैया जी ने बता ही दिया, जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया है। ये देखिए गुलकंद है, गुलकंद का भी एक अलग ही फ्लेवर है, मतलब कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है यार। इनका गुलकंद भी बहुत कमाल का है। मावे के सिरप में इस तरह से लिपटा हुआ गोला आपने कहीं खाया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये जाएगा बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा है। सिरप भी अनलिमिटेड है आपका, गोला चलेगा तब तक। अच्छा जी, तो कर दीजिए सर, आपको फ्लेवर मिलते रहेंगे, आपका गोला चलेगा जब तक।
दीदी का भी सपोर्ट है, आधे घंटे तक गोले को कुछ नहीं होगा। अच्छा, पार्सल का सिस्टम हमारा ऐसा है। अच्छा जी, पार्सल कर रहे हैं। गोले को हम प्लेन पैक करते हैं एयर टाइट में। अच्छा जी, और फ्लेवर आपको अलग मिलता है सिल्वर फॉइल में। तो इसमें 20 से 25 मिनट तक गोले को कुछ नहीं होता है, पिघलता नहीं। मतलब जैसा आप यहाँ खा रहे हो वैसे घर पे भी खा सकते हो। क्या बात है, बिल्कुल। अरे खाएगा देखना। और सिरप भी एक्स्ट्रा ही देते हैं ताकि कमी नहीं पड़े सिरप की।